पाएगा? रैप के हिसाब से तो बस आने ही वाला है। शिवा, ये बोट देखो, यह क्रोकोडाइल भी है। दरअसल क्रोकोडाइल कुछ दूरी पे एक लेक में है। लोगों का कहना है कि एक क्रोकोडाइल वहाँ से निकल के इस पानी में आ गया है, लेकिन आज तक किसी टूरिस्ट ने उसे देखा नहीं है। मुझे क्रोकोडाइल से बहुत डर लगता है। जल्दी से कुछ खाने को दो, मुझे जब डर लगता है तो बहुत भूख लगती है। यूली, डरो मत, मैं हूँ ना साथ में। एक बार हमारे गांव में कहीं से मगरमच्छ आ गया था। किसी की हिम्मत नहीं थी उसके पास जाने की। तब मैंने उस मगरमच्छ की पूंछ को पकड़ा और घसीटते हुए उसे तालाब में डाल दिया। मैंने उसको कहा, तेरी जगह तालाब में है, वहीं रहना। गांव के अंदर दोबारा आने की सोचना भी मत। डोंट वरी, यहाँ से 50-50 किलोमीटर दूर जब कोई क्रोकोडाइल निकलता है तो उसकी माँ कहती है कि मत निकल, लड्डू सिंह आ जाएगा। जल्दी किनारे से इस पेड़ की तरफ भागो। इस उम्र में मैं पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, वो सिर्फ जमीन है, उस पर आओ सब। आदि, मगरमच्छ की दुम पकड़ के ले जाओ। तुम सब मेरी बात को इतना सीरियसली ले लेते हो। आ जाओ सब, आ जाओ। खाने का बैग ला के दूंगा तो मैं खुद उस मगरमच्छ का खाना बन जाऊंगा। यूडी, ये मुसीबत के टाइम भी तुम्हें अपनी भूख की पड़ी है। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे डर में और भी ज्यादा भूख लगती है। मेरा टिफिन भी बोट में रह गया है। ओफो, चुप करो तुम दोनों। मैं रिमोट कंट्रोल से साइकिल को यहाँ लेकर आता हूँ, उसके बाद मैं मगरमच्छ को भटका कर यहाँ से ले जाऊंगा। तुम लोग बोट को रिपेयर कर लेना। शिवा, बोट तो मैं रिपेयर कर लूंगा, पर किसी तरह तुम मगरमच्छ को यहाँ से लेकर जाओ। ओके, डन। साइकिल लेने जा ही रहे हो तो खाने का बैग भी ले आना। तुम इतने बड़े भुक्कड़ हो, आज पता चला। अब तो मुझे ही साइकिल तक पहुंचना होगा। बैग आ गया। लगता है आज तुम्हारी किस्मत में ही खाना है। उस मगरमच्छ को भूखा ही रहना होगा। देखो जरा इसे, इतनी मुसीबत में भी ऐसे खा रहा है जैसे सालों से कुछ ना खाया हो।
क्या पता ये हमारा आखिरी खाना हो। प्लीज मुझे खा लेने दो। पूरा खा गया, थोड़ा कुछ हमें भी खिला देता। रट्टू सिंह जी, आप एक पुलिस इंस्पेक्टर हो, कुछ तो करो, उसे अरेस्ट कर लो। ओहो, क्या करूं मैं नाना जी, कानून के पास मगरमच्छ के लिए कोई कानून नहीं है। मगर ये कैसा राग गा रहे हो और इतना डर डर के क्यों गा रहे हो? नाना जी, मगरमच्छ आपके पीछे। अभी खबर लेता हूँ इस मगरमच्छ की, अभी इसको राग मगरा सुनाता हूँ। ट्रिक निकाली। उठो इंस्पेक्टर साहब, मगरमच्छ चला गया। ये क्या, मगरमच्छ के पेट के अंदर की दुनिया में भी नीला आसमान है? अरे ये मगर का पेट नहीं, असली आसमान है, मैंने उसे भगा दिया। थैंक यू नाना जी, थैंक यू वेरी मच, आज आपके गाने ने हम सबको बचा लिया। थैंक यू, देखा मेरे गाने का कमाल। नाना जी प्लीज आप गाना बंद मत करिएगा, जब तक आपका गाना चलेगा तब तक मगरमच्छ हमसे दूर रहेगा। हाँ हाँ नाना जी, आप गाना गाइएगा और आदि और मगर डांस करेंगे। चलो बहुत अच्छा हुआ, हमको थोड़ा टाइम मिल गया बोट तक पहुँचने के लिए। बोट को इधर ही खींच लो। कैसे खींच ले, हाथ तो कानून के लंबे होते हैं और इधर कानून तो डर के मारे बेहोश हो जाता है। ट्री वाइंस को जोड़ के लंबी रस्सी बनाओ और उसे फेंक के बोट में अटका के इधर खींच लो। गुड आइडिया रेवा, चलो सब लोग ट्री वाइंस इकट्ठा करो। मगरमच्छ आदि की तरफ आ रहा है, जल्दी कुछ करो। शिवा, शिवा बचाओ मुझे, मुझे मगरमच्छ का खाना नहीं बनना। संभल कर शिवा। कर पाएगा, अब कोई खतरा नहीं। अब गई मगर की अकड़, चला था हमें खाने, अब आ अपनी ताकत दिखाता हूँ। आदि मगर चला गया है, चैलेंज करना बंद करो, कहीं दोबारा ना आ जाए। नाना जी, नाना जी गाना 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 गाइए, गाना 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 गाइए। अरे उधर बच्चों की जान खतरे में है और तुम्हें गाने की पड़ी है। ये मगरमच्छ तो बहुत स्मार्ट निकला, वो अपनी लकड़ी निकलवाने ही नाना जी के पास गया था। शिवा, इस तरह से तो ये क्रोकोडाइल हमें यहाँ से जाने ही नहीं देगा। कैसे नहीं जाने देगा, जल्दी से ट्री वाइन लेकर चलो।
बोट मिल गई तो हम भाग जाएंगे। सब लोग जोर से खींचो। जोर लगाकर हेशा। दम लगाकर हेशा। ओके। नाना जी, लड्डू सिंह जी, मगरमच्छ आप दोनों की तरफ आ रहा है, वापस जाइए। लड्डू सिंह जी, आप इस उम्र में यही करना बाकी था। मगर मगर नाना जी, और केस और केस। अरे पैदल चलाओ, भागो भागो। लड्डू सिंह जी उठिए। रखवाले उठो, जागो लड्डू सिंह जी, जागो। इस बार तो मगरमच्छ के पेट में ही हूँ, पक्का है। ना आसमान दिख रहा है, ना पेड़ पौधे। उठ जाओ मेरे मिट्टी के शेर, तुम मगरमच्छ के पेट में नहीं हो। चलो मोटर बोट ठीक करो, मगरमच्छ भाग गया। भाग गया? ऐसे कैसे भाग गया? अभी तो मेरा उसका मुकाबला होना बाकी था। हे हे।
निकलकर बाहर चला गया होगा। सबको दिखाऊंगा। रेडी है। बहुत बढ़िया लड्डू सिंह जी, अब हम लोग मार्शी आइलैंड चलेंगे। एवरीबॉडी रेडी? यस। नो। सब ठीक कह रहे हैं शिवा, अब हमको वापस चलना चाहिए। वैसे भी बिना मार्शी आइलैंड पहुंचे ही बहुत एडवेंचर हो गया। ओके नाना जी, मेजॉरिटी विंस, हम वापस चलेंगे। शिवा